यस बैंक के पूर्व निदेशक विसल ब्लोअर उत्तम अग्रवाल ने जनवरी में पद से इस्तीफा देने के बाद बैंक के कामकाज पर सवाल उठाए थे और इसके लिए बाकायदा आरबीआई को उन्होंने पत्र भी लिखा था। इस बारे में उत्तम अग्रवाल से बात की न्यूज नेशन संवाददाता सुभाष शिर्के ने। देश की चौथी सबसे बड़ी बैंक यस बैंक पर रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगा दिया है और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है उत्तम प्रकाश अग्रवाल जो यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। हमें बताइए कि आपने 10 जनवरी को इस्तीफा दिया और उसके बाद जो आपने लेटर लिखे आरबीआई को उसमें कई सारी धांधलियां आपने बताई थी जो यस बैंक में चल रही थी, क्या वो धांधलियों के बारे में बताइए। देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्री और भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैंने पहली बार 10 जनवरी को एक विसल ब्लोअर के रूप में जब मैंने अपना त्याग पत्र दिया कि मुझे इस निदेशक के पद पे नहीं रहना है, क्योंकि जब से मिस्टर रवनीत गिल ने एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ पदभार संभाला, वो दूसरे तीसरे दिन से जो उनका तरीका था काम करने का और एकदम कॉरपोरेट गवर्नेंस के अगेंस्ट में था, विपरीत था पूरा। क्यूआईपी लेके आया अगस्त में 18 करोड़ रुपया एक जान पहचान वाले आदमी जो एक्स डॉयच बैंक का मालिक है उस कंपनी को जिसका कोई रोल नहीं था क्यूआईपी में, मैंने वो पेपर भी दिया, मैं पेपर भी आपको दिखा सकता हूँ कि कहीं पर उसका नाम नहीं है, उसको 18 करोड़ रुपया दिया। आपने जो चार लेटर लिखे अलग अलग आरबीआई को, क्या कुछ जवाब आया आपको इसके बारे में? सर जवाब तो दुनिया के सामने, आरबीआई ने इतना अच्छा काम किया, जब भी तो मैंने पहले धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र पर आरोपों को कंसीडर किया सीरियसली और आज रिजल्ट ये है कि बैंक को बोर्ड को सस्पेंड उन्होंने सुपरसीड कर दिया, एसबीआई की एक अच्छी बैंक है उनके सीएफओ को लाया है और बैंक आरबीआई अपने कंट्रोल में रखकर मुझे आशा है कि 30 दिन के अंदर ये बैंक को एक अच्छे जो पुराने रूप में लाने की जो नया मैनेजमेंट आएगा वो कोशिश करेगा। लेकिन मेरा अभी भी है कि ये पूरा का पूरा जो मैंने कही बात है कि क्या है, इन्होंने उसके बाद में पेपर बनाए हैं, वो भी मुझे खबर मिली बाद में कि जो जो इशू मैंने रेज किए उन्होंने पेपर बना के कमेटी का खाली अप्रूवल करने के लिए नोटिंग करने के लिए काम किया है। एक भी पेपर जो मैंने कहा है कभी भी टेबल पे नहीं था, मेरे पास सारे मेल अकाउंट वगैरह सब मेरे पास है, मुझे मालूम था कि ये मैनिपुलेशन करें, तो कोई भी एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेट करती इस मैटर को है वो मेरे से संपर्क करे, अगर वो बोलते हैं कि मैंने गलत किया तो मैं उनको पेपर बताने को तैयार हूँ। बैंक को रिवाइव तो अभी हो जाएगी क्योंकि स्टेट बैंक ने इसको लिया है, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है आपको लगता है? चैलेंजेस है मैनेजमेंट अच्छा आएगा, चेंज अगर ये जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको हटा दिया जाता है और एसबीआई के जो आदमी आए हैं जो ग्रुप सीएफओ ज्वाइन किया और एसबीआई के कंट्रोल में आरबीआई मॉनिटरिंग कर रही है, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक महीने का 30 दिन का बात है और अभी सरकार आरबीआई बड़ी गति से बात, क्योंकि पहले तो बोर्ड पे भरोसा करना पड़ता था, एमडी पे करना पड़ता था, अभी तो उनको डिसीजन लेना है, सो दे आर एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स, सो सडनली आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। जो मैं सोचता था अभी सही लोगों के हाथ में बैंक है जो, तो बहुत अच्छा होगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं, येस बैंक जैसा सिचुएशन और किसी बैंक में ना हो इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या जरूरी है काम करना? सर एक तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और एक ऑडिटर्स हैं उन दोनों को विजिलेंट रहना पड़ेगा, कहीं पे भी होवे अपने पद का निर्वाह ईमानदारी से करें। मुझे नहीं लगता कि अगर ये दो तरह के लोग हम अच्छी तरह से काम करें तो कोई भी संस्था डूब सकती है। धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। तो ये तो उत्तम प्रकाश अग्रवाल, इन्होंने साफ रूप में कहा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है और ऑडिटर्स है उनको इसमें अपना रोल जो है वो निभाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आरबीआई के जो लोग यस बैंक में उस वक्त थे उन्होंने अपना कर्तव्य ठीक तरह से नहीं निभाया, ऐसा ही इसमें लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई।